छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक मानचित्र पर कांग्रेस पार्टी को सिमटाकर दो राज्यों तक कर देने वाले कांग्रेस पार्टी के अनिच्छुक और भ्रमित शहजादे को पुनः कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रस्ताव दो बातें सिद्ध करता है। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से योग्य कोई नेता नहीं है। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी में आपका राजनीतिक करियर तभी तक सुरक्षित है जब आप गांधी परिवार की चाटुकारिता करते हैं। वही कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने पलटवार किया। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जिन शहजादे साहब ने कांग्रेस को पूरे देश में दो राज्यों तक सिमटा दिया है और उन्हीं शहजादे साहब को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करना मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। और इससे दो बातें परिलक्षित होती है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से ज्यादा योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और दूसरा ये कि आप यदि इस परिवार की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो इस पार्टी के अंदर आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुश 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 होती रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में सभी एकजुट होके एक साथ होके मन एक करके और 2023 के चुनाव में जुटे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2023 में 2018 से ज़्यादा बेहतर स्थिति में नतीजे आएंगे।